अच्छा भाई, पिछली क्लास में हमने दो टाइप के कैरेक्टर डिटेल में पढ़ लिए ना। एक हमने पढ़ा नार्सिस्ट और एक हमने पढ़ा मैकावेलियंस। आज हमारा तीसरा कैरेक्टर हम शुरू करने जा रहे हैं और इस कैरेक्टर को हम कहते हैं सैडिस्ट, SADIST, सैडिस्ट। सही है, हम पढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पर। हमारा टॉपिक चल रहा है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी में चार कैरेक्टर ऐसे होते हैं, ये चार पर्सनालिटीज ऐसी हैं जो खुद तो बीमार होती ही हैं लेकिन पूरे माशरे को बीमार कर देती हैं नफ्सियाती, और सारे लोगों को जो है वो दवा की ज़रूरत पड़ जाती है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ये जो चार लोग हैं ये आसानी से बच के निकल जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से तीसरा जो कैरेक्टर है वो है सैडिस्ट। सैडिस्ट कौन होता है? सैडिस्ट की पहचान ये है कि वो, अच्छा ये बुनियादी तौर पर दोनों तरीक़ों से डेवलप होते हैं। इससे पहले भी जो दो हमने पर्सनालिटी पढ़ी वो भी दो तरीक़ों से डेवलप होती है, एक तो सोसाइटी और आपका रहन सहन और आप जहाँ रहते हैं माशरा, क्या लेना है लेना। तो उसको वो भी डेवलप करता है ये पर्सनालिटी ट्रेट्स, सैडिस्ट का भी, मैकावेलियंस का भी और नार्सिस्ट का भी। और इसके अलावा ये बायोलॉजिकली भी आता है। बायोलॉजिकल मतलब ये कि आपके वालदेन ऐसे होते हैं, बाय बर्थ आपको ये मिला होता है ऐसा। ठीक है, तो जो लोग इसको समझ लेते हैं वक्त से पहले, जैसा आप को मैं समझा रहा हूँ आप समझ ले रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर लेंगे कि यार ये चीज़ हमें बाय बर्थ मिली है या हमने सोसाइटी से सीखी है। बाय बर्थ मिली है तो अब आपको अपने आप को बदलना पड़ता है, और बदल के आप ऐसी स्टेज पर आ जाएं कि ये प्रॉब्लम आप अपने बच्चों में मुंतकिल ना कर दें, यानी आपको स्टॉप लगाना पड़ता है। तो सैडिस्ट वो हैं जिनको दूसरों को तकलीफ देने से मज़ा आता है, दूसरों को तकलीफ देकर वो एंजॉय करते हैं, उसे कहते हैं सैडिस्ट। वो तकलीफ जज्बाती भी हो सकती है, जिस्मानी भी हो सकती है, सही है, और माशरती भी हो सकती है कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाएं और आपको मज़ा आए। अच्छा, एक तो ये कि आप पहुंचाएं और आपको मज़ा आए, और ये कि आप भले ना पहुंचाएं उसको तकलीफ़ अगर हो रही है किसी और की वजह से, तो आप अगर इंजॉय कर रहे हैं उस तकलीफ़ को तो आप सैडिस्ट हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ये सभी होते हैं। मैंने आपसे कहा था पिछले क्लासेस में कि हम सब लोग, सब लोगों में ये कैरेक्टर किसी न किसी दर्जे में होता है, लेकिन जब ये कैरेक्टर किसी दूसरे के लिए नुकसान बन जाए तो फिर हम इसको डिसऑर्डर कहते हैं। अगर दूसरे के लिए नुकसान नहीं है तो फिर ये डिसऑर्डर नहीं है। अच्छा,